नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा। कल बिहार के अंदर जो एक अमानवीय घटना घटी वहाँ के शासन और प्रशासन के द्वारा, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पप्पू यादव जी जो एक ऐसे जन नेता हैं जिन्होंने हमेशा ही जनता की सेवा के लिए अपने उद्गार को हमेशा ऊर्जित किया है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो या राजनीतिक आपदा हो, लोगों के घर घर तक पहुंचकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, चाहे तन मन धन किसी भी चीज़ से हो, कभी भी पीछे नहीं हटे। उनकी गिरफ्तारी इस वक्त जब कोरोना का ये भयानक वक्त चल रहा है, जहां जान माल की इतनी क्षति हो रही है, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेज देना कहीं ना कहीं से अमानवीयता का प्रतीक है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। मुझे बहुत खेद है इसका। नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा। कल बिहार के अंदर जो एक अमानवीय घटना घटी वहाँ के शासन और प्रशासन के द्वारा, उसके प्रति मैं खेद व्यक्त करता हूँ। पप्पू यादव जी जो एक ऐसे जन नेता हैं जिन्होंने हमेशा ही जनता की सेवा के लिए अपने उद्गार को हमेशा ऊर्जित किया है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, सामाजिक आपदा हो या राजनीतिक आपदा हो, लोगों के घर घर तक पहुंचकर लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए, चाहे तन मन धन किसी भी चीज़ से हो, कभी भी पीछे नहीं हटे। उनकी गिरफ्तारी इस वक्त जब कोरोना का ये भयानक वक्त चल रहा है, जहां जान माल की इतनी क्षति हो रही है, उस वक्त उनकी गिरफ्तारी और उन्हें जेल भेज देना कहीं ना कहीं से अमानवीयता का प्रतीक है, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। मुझे बहुत खेद है इसका।